हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको एक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हम एकदम मुफ्त में बना सकते हैं, जिसमें हमारा कोई पैसा नहीं खर्च हो। ये किचन वेस्ट से तैयार होता है। ये हैं प्याज के छिलके। इनसे हम बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र अपने पौधों के लिए बना सकते हैं, जो कि हमारे पौधों को एक नई जान डाल देगा। इसमें इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। और हम इसको किस तरह तैयार कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। ये मेरे पास प्याज के छिलके हैं। हम इसको पानी में डिप करके रखेंगे। ये है पानी। ये पानी ले लिया है मैंने बाउल में। हम इसमें छिलकों को डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें प्याज के छिलकों को डाल दिया है पानी में। इसमें जैसा कि मैंने इसमें डाल दिया है ये पानी में प्याज के छिलकों को, हम इसको 2 दिन के लिए फ्रेंड्स ऐसे ही रख देंगे। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया, तो मैंने एक फर्टिलाइज़र 2 दिन पहले तैयार करके रखा है, जो कि देखो ऐसा बन चुका है। ये मैंने इसको छान के रखा हुआ है। इसका कलर ना ऐसे हो जाएगा, ये देखो इसका कलर एकदम ऐसे हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर एंड मैनी मोर, बहुत सारे सोर्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारे पौधे इससे स्वस्थ रहेंगे। और फ्रेंड्स, इसका ना कोई नुकसान भी नहीं होता। ये कोई नुकसान नहीं करेगा हमारे पौधों को, फायदा ही करेगा। और ये किचन वेस्ट से तैयार हुआ है, पर हमारे इसमें पैसे खर्च हुए। तो है ना कमाल की चीज, जो हमें मुफ्त में तैयार हो गई है और हमारे पौधों के लिए। ऑर्गेनिक भी है ये एक तरीके से। जैसे हम आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं, ये भी पौधों के लिए एक आयुर्वेदिक चीज है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम पौधों में डाल के दिखाते हैं। और जैसे कि ये है, ये आगे के लिए तैयार होता रहेगा। मैं इसको 2 दिन के लिए ऐसे छोड़ दूंगी। इसमें अभी और भी प्याज के छिलके मैं डालूंगी, जैसे अभी और किचन से निकलेंगे, अभी कुछ बनाएंगे खाना वगैरह, तब इसमें और छिलके मैं डाल के इसको और तैयार करूंगी आगे 2 दिन छोड़ के। तो चलिए, जो मैंने अभी बनाया है उसका हम डाल के दिखाते हैं आपको पौधों में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपने पौधों में इसको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालिए सब में। देखो, ये सदाबहार के बीज मैंने डाले थे, उसके गेंदे के, मारीगोल्ड के, ये उग आए हैं छोटे छोटे से। ये देखो, इसमें ऐसे डाल दो, दिख नहीं रहा। ये देखो, थोड़ा सा इसमें भी ऐसे। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी प्याज के छिलकों के ऊपर, उसके फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं। तो आप भी इस तरह से बनाइए और अपने पौधों को स्वस्थ बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।